कबीर थाओ कबीर जिसकी वजह से मतलब आप मैं ठीक आप जोच सोरे कहें बारो कभी पता बचे 2014 में जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल कश्मीर में आई, काफी सारे जो है घरों को नुकसान पहुंचा था और काफी बर्बादी हो चुकी थी, उस तरह का मंजर आज यहाँ पर दिख रहा है, जिस जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय जो है कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है, बल्कि पानी ने अपने लपेट में सब कुछ लिया है। देख सकते हैं हमारी तस्वीर में एनएन न्यूज कश्मीर का पहला टीवी चैनल जो आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है इस समय चौबल और कुलनगाम हंदवाड़ा से अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ मेम और आप देख रहे हैं राइजिंग कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी मैं मौजूद हूं शुमाली कश्मीर के कुलनगाम के हंदवाड़ा इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक फैमिली स्ट्रक हुई थी, जो फ्लैश फ्लड्स हुए थे हंदवाड़ा में। आज सुबह से ही फ़िलहाल के तौर पर एक बोट के ज़रिए उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से NDRF और हंदवाड़ा पुलिस है वो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। विजुअल्स में आप देख सकते हैं, ये जो विजुअल्स आप देख सकते हैं कुलनगाम हंदवाड़ा से, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से फैमिली को रेस्क्यू किया जा रहा है एक बोट से। ये एक रेजिडेंशियल हाउस है, जहाँ पे आज सुबह से ही पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से कुछ फैमिलीज़ जो है वो स्टक हो गई है और उन फैमिलीज़ को फ़िलहाल के तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, बारिश लगातार हो रही है, अभी भी पानी की सतह ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से लोग
गांव के साथ मिलता था छोटा यहाँ से गाड़ी जाती है शॉर्टकट रास्ता गांव के लिए जाता है लेकिन इनका यहाँ मैस बस कुक रहता है वो जो मिड डे मील होता है अच्छा सर और डाइट पर भी मिलता है यहाँ पे सर एक हमारा ये रीस पीछे बच्चे ऐसे इस तरफ ना है बिल्कुल ट्रैक्टर पका हुई 10 तरह सौ पाँच सौ ट्रैक्टर आया 20 तरह ये तो कर रहा है ये कहां था ये मोर गुड है ये निन कब ये पर है ना ने ना था पर क्या बात है था ना सुन जरा ओए का कटे राइट साइड का डंडा सा इधर सा राइट साइड डंडा सा ये आलग हो गए।